वेलकम टू द चैनल गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का लेक्चर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक रहने वाला है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का फिजोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इसी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि इंडिया के रिलेटेड होने वाले हैं। तो यहाँ पे इस PDF में, इस लेक्चर में हम थ्रू मैप सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि हमें हर चीज़ पढ़नी है और विद मैप पढ़नी है, क्योंकि जो जब हम पिक्टोग्राफिक फॉर्म में पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरेबल कैपेसिटी होती है, जो हमारे याद करने की का तरीका होता है, वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब हम मैप देख के किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में हमें ये चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं और बहुत अच्छे से रिकॉल होती हैं। तो विद ट्रिक्स, जैसे कि आप देख रहे हो, हम ट्रिक्स के थ्रू भी याद करने की कोशिश करेंगे और थ्रू एक हाईली जो है PDF से फाइल से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ का आपको मैप अटैच्ड मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं, लेक्चर फर्स्ट ईयर रहने वाला है, तो इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इंडिया को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री आती है। कौन सी 7th लार्जेस्ट कंट्री? इसका मतलब इंडिया की से जो है 7 ऐसी और कंट्री है जो इंडिया से बड़ी है और इंडिया 7वें नंबर पे आती है 6 और कंट्रीज है जो इंडिया से बड़ी। इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एरिया की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का रहने वाला है एरिया। तो इस एरिया को आप थोड़ा सा माइंड में रखें, 32,87,000 करोड़ आप वो चीज़ मान के चले। देखो, लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। अब मैं ये वाली बात आपको क्यों बता रहा हूँ, पीछे जो VLW का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था कि विच वॉज द लास्ट सेंसस या वेन वॉज द लास्ट सेंसस कंडक्टेड बाई इंडिया। ठीक है, तो लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था। कितना फ्री क्वेश्चन था। तो कभी कभी ऐसे जो है ईजी, मतलब मॉडरेट ईजी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको हर जगह जो है अटेंशन दे के जो है पढ़ने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2011 में लास्ट सेंसस आया तो वहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन थी। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेटली 2021 में जो सेंसस होने वाला था वो तो हुआ नहीं, तो हम मान के चल रहे हैं या जितने भी पॉपुलेशन ग्राफ्स हैं, ये जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कंडक्ट करवाया, तो पता चला है कि 1.4 बिलियन के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन है इस टाइम पे। अभी इंडिया में जो है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी आपको पता होगा, आपने फैक्ट्स में पढ़ा होगा 2014-15 के बाद इंडिया में 29 स्टेट्स थी। तेलंगाना वॉज द लेटेस्ट, ठीक है, स्टेट जो 29th बनी थी, बट जम्मू एंड कश्मीर को बायफर्केट करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पे 29 है वो माइनस होकर 28 बन गया और जो यूनियन टेरिटरी थी 6-7 यूनियन टेरिटरीज थी वो 9 बन गई थी। बट फिर दादर नगर एंड हवेली उसको मिला के वो एक डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको उस पर बात करूँगा। यहाँ से एक यूनियन टेरिटरी को कम करके 6 बना दी गई और उसके बाद जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को ऐड करके अभी फिलहाल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। चलो, अब एक और फैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ टू साउथ, इंडिया का जो नॉर्थ यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर केरला तक का जो एरिया है ये बनता है 3,214 किलोमीटर्स। कितना बनता है? 3,214 किलोमीटर्स। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट यानी कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के एंड पे जाएं टिप पे तो 2,933 किलोमीटर्स बनता है। ठीक है, या आप यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा सा, इन फिगर्स को थोड़ा सा अपने माइंड में रखने की कोशिश करें। देन अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें जो कि यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है और इंडिया के बिल्कुल साउथ में जाके और यहाँ से कोलकाता तक ख़त्म होती है, इसको हम इंडियन कोस्ट लाइन बोलते हैं। ये जो बनती है ये बनती है 6,000 समथिंग। अब आप बोलोगे सर आपने तो 7,516 लिखा है और बोल आप 6,000 रहे हो, सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना, ये आप देख रहे हो ये अंडमान एंड निकोबार से आइलैंड्स हैं और यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं देन इंडिया की कोस्ट लाइन बनती है 7,516। मैंने आपको 6,000 वाला फिगर क्यों नहीं बताया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन, जब भी हम इंडिया में एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे जो है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया पूछी जाती है। मेन लैंड सिर्फ ये वाली जो कोस्ट लाइन है बहुत कम पूछी जाती है और खासकर पूछी नहीं जाती है। तो मोस्टली जो पूछी जाती है वो ऑल ओवर पूछा जाता है कि कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की कितनी लेंथ है, तो वो है 7,516 किलोमीटर। ओके, चलो जी, अब हमने कोस्ट लाइन तो पढ़ ली, अब
लैंड फ्रंटियर यानी कि जो जमीनी मतलब सतह पे जो बॉर्डर है इसको भी तो पढ़ना हमारा ही काम है, ये कौन पढ़ेगा, कोई और तो पढ़ेगा नहीं। तो इसका जो बनता है, इसका बनता है 15,106 किलोमीटर। कितना बनता है? 15,106 किलोमीटर। तो अब आपने क्या करना है, इस पीडीएफ को इसी टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ से आपको ये वाली चीजें रिकॉल करनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले फिगर्स आपके माइंड में बिल्कुल होने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक और फैक्चुअल चीजों से पूछा जाता है, एरिया से पूछा जा सकता है, कितने नंबर पे इंडिया आता है, 7th नंबर पे आता है, पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, 28 स्टेट्स एंड 8 UTs हैं इस टाइम पे, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट आपको एक्सटेंड पता होना चाहिए, कोस्ट लाइन आपको पता होनी चाहिए, और लैंड फ्रंटियर क्या बॉर्डर जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वहां पे हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। चलो जी, अब इंडिया के हमने पढ़ लिया थोड़ा सा बेसिक, इंडिया को हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, यानी कि थ्रू मैप हम बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो इंडिया आपको पता ही है, ये सॉरी इंडिया आपको पता ही ये है, मतलब ये ग्रीन कलर जो भी है यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। देख लो ये आ गया अरेबियन सी, बिल्कुल आपने देखना है कि नीचे जो है ना ये ब्लू कलर का थोड़ा सा स्काई कलर का, ये है ओशन, ठीक है, ओशन यानी कि समंदर, और ये आ गया जमीन यानी कि लैंड फ्रंट। तो यहाँ से अगर हम देखे जाए तो ओशन को हम दो तरीके में डिवाइड करें, यहाँ पे आपको दिखेगा इंडियन ओशन साउथ में। अगर पूछा जाए कि इंडिया के बिल्कुल साउथ में क्या है तो इंडियन ओशन है, इंडिया के ईस्ट में क्या है तो वेस्ट बंगाल है, सॉरी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इंडिया के वेस्ट में पूछा जाए तो अरेबियन सी है, आपको समझ आ रही है। बे उस चीज को बोलते हैं कि जब ऐसी वाली जमीन, देखो ये जमीन ऊपर जा रही है, यहाँ से भी जमीन ऊपर जा रही है, तो एक खाई बन रही है, एक खाड़ी बन रही है, इस खाई को बोलते हैं बे। तो यहाँ पे बंगाल है ऊपर, इस एरिया को बंगाल बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में अगर हम देखे जाए, देखो इसको भी बे ऑफ अरेबिया बोल सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि जितना ये जो है नैरो होता जा रहा है तो उतना जो है यहाँ पे नैरो नहीं है, इसलिए इसको सी कहा गया है। तो अरेबियन सी हमारा आ गया वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल आ गया ईस्ट में, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, जैसे हमने ऊपर आपको बता दिया कि कोस्ट लाइन कैसी कैसी है वो आपको पता होना चाहिए इसमें। चलो जी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ पे शेयर होता है। देखो यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है पूरा यहाँ तक। अब आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन के, अफगानिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर टच करता है या नहीं करता है, ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए कि यस सर, अफगानिस्तान जो है इंडिया के साथ बॉर्डर टच करता है, ठीक है। ये देखो अफगानिस्तान की बिल्कुल माइनर सी जो है टिप है वो यहाँ पे इंडिया के साथ, ये इतना सा देख रहे हो आप, इतू सा बोलते हैं ना, तो इतना सा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान किसके साथ शेयर करता है, इंडिया के साथ शेयर करता है। चलो जी, अब हम थोड़ा सा अगर हम इसमें जाए चाइना की तरफ अगर हम बात करें, तो ये रहा इसमें चाइना, तो चाइना भी जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और बहुत ज्यादा शेयर करता है, पूरे का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये चाइना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है वहां तक चाइना बॉर्डर शेयर करता है। देन यहाँ पे आता है म्यांमार, म्यांमार भी जिसको हम बर्मा बोलते हैं, तो म्यांमार भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आगे नेपाल भी इंडिया के साथ करता है बॉर्डर शेयर, बांग्लादेश भी, भूटान भी, ठीक है। अब एक और कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है जिसको बोलते हैं श्रीलंका, ठीक है। देख लो आप ये साउथ में, इंडिया के बिल्कुल साउथ में कौन सी कंट्री है, तो ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका भी क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। चलो अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी कंट्री है जो दूसरे नंबर पे बॉर्डर शेयर करती है, उससे कम कौन सी, उससे कम कौन सी, उससे कम कौन सी। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि हम लाए आपके लिए कौन सी ट्रिक्स लाए हैं, उस ट्रिक्स से आपको हमेशा जिंदगी में कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन आया फ्री में आप आंसर कर दोगे। आपको क्या याद रखना है, बचपन एमबीए, रुको रुको बताता हूँ, बताते हैं बिल्कुल बताते हैं। आपको क्या याद रखना है, बचपन एमबीए, बचपन एमबीए, बचपन एमबीए याद कर लो, लिख लो ज्योग्राफी के नोट्स में, नेबरिंग कंट्रीज के साथ सिर्फ बचपन एमबीए लिख दो, जिंदगी भर कभी नहीं बोलेगा। चलो जी, बचपन का मतलब बीए, ठीक है, देखो मैंने अलग कलर करके रखा है, बीए, बीए का मतलब बांग्लादेश। चलो जी सर, आपने बांग्लादेश को क्यों बोला बीए, सर बीए का मतलब बांग्लादेश, और बांग्लादेश इंडिया के साथ करता है 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर। इसका मतलब इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश। वहां पे ऑप्शन में पाकिस्तान दिया होगा, चाइना दिया होगा, नेपाल दिया होगा, भूटान दिया होगा, म्यांमार दिया होगा, अफगानिस्तान दिया होगा, सब दिया होगा। आपने क्या टिक करना है, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, कौन करता है, बांग्लादेश।
फिर सर ये सी एच क्या हुआ, सी एच का मतलब चाइना, चाइना के मैं के नाम पे सी एच आई एन ए होता है ना सी एच, तो चाइना आता है दूसरे नंबर पे 3488 किलोमीटर्स। समझ आइए आपको, सबसे पहले आ गया बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे नंबर वन, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाली चीज, दूसरी कंट्री चाइना, तीसरी पी ए का मतलब समझ जाओ पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर्स। समझ आई पाकिस्तान। सर ये एन क्या है, एन का मतलब नेपाल हो गया बेटा, नेपाल कितना करता है 1751 किलोमीटर्स। समझ आ रही है आपको, बी ए का मतलब बांग्लादेश, सी एच का मतलब चाइना, पी ए का मतलब पाकिस्तान, एन का मतलब नेपाल। अब आप पूछोगे सर ये एम बी ए क्या है, फिर उसके बाद नेपाल से कम बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार, जिसको मैंने कहा आपको बर्मा भी बोलते हैं, ये करता है 1643 किलोमीटर्स। आपको अगर ये फिगर्स याद नहीं रखनी है मत रखो, सिर्फ बांग्लादेश की रखो 4096 याद रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये कोड याद रखना है 55 MBA, ठीक है। एम फॉर हो गया म्यांमार, बी फॉर हो गया भूटान। अब ये दूसरा जो भूटान है ना, देखो बी ए बांग्लादेश में बी ए है, ठीक है, भूटान में बी एच है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा हो गए बी ए के मतलब ये भूटान है या बांग्लादेश है, बांग्लादेश का बी ए है इसलिए यहाँ पे बी ए लिखा, ठीक है। फिर आते हैं भूटान, भूटान करता है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। फिर अगर हम आगे चले जाएं तो ए, ए का मतलब आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान करता है 106 किलोमीटर। ट्रिक याद रहेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये याद रखना है कि 55 MBA, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सिंपल एज पढ़ाई को मुश्किल नहीं बना देते, पढ़ा जाता है बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल आसानी से। पढ़ाई को आसान करके करो, वो पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे और पढ़ाई में मजा आने लगेगा, खुद को टॉर्चर करके पढ़ाई नहीं की जाती। चलो अब हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। देखो हर जगह का एक ब्यूटीफुल मैप हमने लिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और एग्जैक्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, लाइफ में कभी आपको ना बोले। चलो जी अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले फिजियोग्राफी हम मैप पे देखते हैं, फिर हम आपको उसकी स्टोरी समझाते हैं कि क्या चीज़ है। फिजियोग्राफी कहते हैं कि दुनिया में कहाँ पे, सॉरी हमारे इंडिया में कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पहाड़ है, कहाँ खेत है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ समुंदर है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, मतलब सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी फिजियोग्राफी में आती हैं। अब आप बोलोगे सर फिजियोग्राफी में क्या आता है, चलो जी इंडिया के टॉप से शुरू करते हैं। ये आगे हिमालयस, ट्रांस हिमालयस, एक होता है हिमालय, एक होता है ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय से भी ऊपर वाली चीज़ हम बोलते हैं ना हिमालय, तो हिमालय से भी पार तब उसके भी ऊपर जो चीज़ आ गई उसको हम ट्रांस हिमालयास बोलते हैं, समझाऊंगा बाद में ट्रांस हिमालयास क्या होते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं वेस्टर्न हिमालयास, क्योंकि देखो यहाँ पे नेपाल है, जैसे हमने आपको ऊपर वाले मैप पे ऐसे दिखा, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, ठीक है। तो अब ये जो सेंटर वाला है इन्होंने गायब किया, क्योंकि हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत किसी कंट्री की फिजियोग्राफी पढ़ने की, हमारे लिए यहाँ पे कोई कंट्री है ही नहीं, छोड़ो उसको, ठीक है। ये आ गया ईस्टर्न हिमालय, आ गया वेस्टर्न हिमालयस, हिमालयस आ गए यहाँ पे। देखो ट्रांस हिमालयस को आपने ऐसे देखना है, सबसे ऊपर आता है, फिर उसके नीचे जो उस पहाड़ से कम मतलब ऊंचे पहाड़ है उनको बोलते हैं हिमालयस, ठीक है। ये आ गया हिमालयस, अब हिमालय से दरिया आएगा, मतलब रिवर आएगी, नदी बहेगी, वो नदी कहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी, यहाँ जाके क्या करेगी, ऊपर से वो मिट्टी लाएगी, अरे यार दरिया बहता है वो अपने साथ मटेरियल लेके चलता है, वो इरोजन करके लेके चलता है, इरोजन की हुई मिट्टी कहाँ जाती है, दरिया के साथ जाते जाते नीचे जाती है, तो जहाँ पे वो प्लान हो जाती है वहाँ दरिया क्या करता है, वो मिट्टी को फेंक देता है, वो मिट्टी को बहा देता है। अब यहाँ पे दरिया ने मिट्टी बहा दी, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ प्लान बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं गैंगटिक प्लेन्स। क्यों गैंगटिक प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ गंगा बहती है। समझ आई आपको, टॉप पे आ गया ट्रांस हिमालयास, देन आ गया हिमालयास, फिर नीचे आ गया प्लेन्स। अब ये प्लेन्स यहाँ क्यों बने, जैसे मैंने आपको बोला हिमालय मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब बर्फ, बर्फ पिघलेगी तो दरिया बनेगा, दरिया बनेगा कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो प्लेन्स में आएगा। समझ आई आपको, ठीक। यहाँ पे आपने सुना होगा ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, इसको सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, कुछ याद आया, हाँ ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनकी फिजियोग्राफी भी हम पढ़ेंगे आगे। चलो जी अब ये ब्लू ब्लू क्या है, सॉरी ग्रीन ग्रीन क्या है, अब ये ग्रीन है सेमी एरिड, सेमी एरिड क्या होता है, चलो अब हम सेमी एरिड के बारे में बात करते हैं। सेमी एरिड होता है कि एरिड कहते हैं मतलब जो जमीन होती है ना जिसपे कुछ नहीं उगता, ठीक है, मतलब कुछ नहीं उगता, रेगिस्तान टाइप कह लो आप, वैसे एरिड मतलब जमीन, ठीक है। अब सेमी एरिड हम एग्जाम्पल देता हूँ, हम लेते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है, एक होती है ऑटोमेटिक, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक,
सेमी ऑटोमेटिक का मतलब वो तो ऑटोमेटिक है लेकिन आपको कुछ काम खुद करना पड़ेगा, मतलब आधा ऑटोमेटिक। सेमी का मतलब आधा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेमी एरिड का, मतलब आधा रेगिस्तान। आधे रेगिस्तान का मतलब वहाँ पे इतनी हरियाली नहीं होगी जितनी जम्मू कश्मीर में होती है। सिंपल सी एग्जाम्पल, वहाँ इतने जंगल नहीं होंगे जितने जम्मू कश्मीर में होते हैं, लेकिन वहाँ थोड़े थोड़े जंगल होंगे, थोड़े थोड़े पहाड़ होंगे, सॉरी वो होंगे खेत होंगे, खेतों में थोड़ी थोड़ी फसलें होंगी, इतनी ही नहीं होंगी जितनी हमारे जम्मू कश्मीर में होती, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बारिशें होती हैं, बहुत सारे ज़मीन ऐसी है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा फसलें उगती हैं, हमारे हमारे यहाँ ग्रीनरी बहुत है। तो सेमी एरिड एक ऐसा एरिया है जिसको हम आधा रेगिस्तान बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता पूरा रेगिस्तान डेजर्ट, और इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट बोलते हैं। थार होती है ना गाड़ी महिंद्रा की, उसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, किसको? इंडिया के जो डेजर्ट है जो मोस्टली राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, इसको हम डेजर्ट बोलते हैं। उस डेजर्ट को क्या बोलते हैं? हम थार डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो हमने ट्रांस हिमालयाज पढ़ लिए, हमने हिमालयाज पढ़ लिए, हमने प्लेन्स पढ़ लिए क्यों है, और ये भी रीज़न भी मैंने बता दिया। हमने सेमी एरिड पढ़ लिया और हमने डेजर्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। अब क्या हो गया, इंडिया को मान लो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देना, लाइन कर दें, ये नॉर्दर्न पेनिनसुला हो गया, साउदर्न पेनिनसुला हो गया, हम इसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। चलो जी अब आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ पे कुछ पहाड़ हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे अरावली आ गया, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ विंध्याज आ गया, यहाँ पे सतपुराज आ गया, ठीक है। ये ऐसे जैसे मैंने लाइन डाली है ना, ऐसे पहाड़ हैं, कुछ भूल जाओ मत पढ़ो, कुछ कोई पहाड़ नहीं है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बाद। अब ये सेंट्रल हाईलैंड इसलिए इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे कुछ पहाड़ हैं, इसलिए यहाँ पे उसको हाईलैंड कहा गया, मतलब तो पहाड़ हैं कुछ यहाँ पे। चलो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? कोई भी जमीन जिसको तीन तरीके तीन साइड से, एलिवेटेड लैंड जिसको तीन साइड से पानी जा रहा हो उसे प्लेट्यू कहते हैं। समझ आई आपको मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोई भी जमीन जिसके तीन तरफ पानी हो उसको प्लेट्यू कहा जाता है। ये आ गया प्लेट्यू, क्यों? यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, समझ आ गई? छोड़ो छोड़ो, तो ये आ गया प्लेट्यू। अब यहाँ पे भी कुछ पहाड़ है, यहाँ पे भी कुछ पहाड़ है, समझो, यहाँ पे भी पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है। इन पहाड़ों को कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स, इन पहाड़ों को कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स। समझ आई? नहीं आई समझ को बात। यहाँ पे है पहाड़ कुछ ऐसी लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उन पहाड़ों को बोला जाता है ईस्टर्न घाट, इनको बोला जाता है वेस्टर्न घाट। अब हम साथ साथ में मैंने कहा हम आपको बताते भी चलेंगे कि क्या मतलब यहाँ पे इनकी क्या वैल्यू है, इस लेक्चर की क्या वैल्यू है। वेस्टर्न घाट को बोलते हैं शायद्री। क्या बोलते हैं? शायद्री। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था? अभी रिसेंटली पेपर हुआ था वेटरनरी फार्मासिस्ट का, वहाँ पूछा था कि शायद्री जो वो है पीक है, या शायद्री जो एक नाम है, ये किसका नाम है? वहाँ पे उन्होंने ट्रांस हिमालयाज दिया था, वहाँ उन्होंने हिमालयाज दिया था, वहाँ उन्होंने कोई और पहाड़ दिया था, और वहाँ उन्होंने वेस्टर्न घाट्स दिया था। जिसने वहाँ पढ़ा होगा कि शायद्री वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, उसका क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। सिंपल, ठीक है। चलो जी यहाँ पे आ गए हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ आ गया हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। दिख क्यों नहीं रहा? सर दिख इसलिए नहीं रहा, बहुत छोटे से हैं, बहुत माइनर से हैं, ये थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ना दाग, तो ये इसका मतलब इससे बड़े हैं ये, तो ये बहुत छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा। तो फिजियोग्राफी आपने मैप पे देख ली, अब हम चलते हैं फिजियोग्राफी पढ़ने की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालयाज, ठीक है। अब हिमालयाज में क्या होती है कि मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, हिमालयाज कहाँ पे है? हिमालयाज है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में, ठीक है। अब नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियाज में क्या कर रहे हैं हिमालयाज, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में क्या कर रहे हैं? चलो जी हम बताते हैं आपको। द हिमालय रीजन इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। हिमालयाज में क्या है? दुनिया की कुछ कुछ ऐसी हाईएस्ट पीक्स हैं, मतलब हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, कहाँ पे हैं? हिमालयाज में। अगर हम बोलोगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे बड़ा पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ पे है? हिमालयाज में है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑन द प्लैनेट अर्थ, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। द रीजन कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस। अब मैंने क्या बोला आपको? थ्री पैरेलल रेंजेस, रेंजेस इनका मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलो जी अब आपको बताते हैं थ्री पैरेलल रेंज, एक पहाड़ रेंज, दूसरी रेंज और तीसरी रेंज, समझिए आपको ऐसे ही है, मतलब एक पहाड़ यहाँ से होते 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 यहाँ तक जाता है, उसी के बगल में दूसरा पहाड़, ये दिख रहा है आपको,
ये लाइन है, मतलब बहुत बड़ी 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 लाइनें हैं पहाड़ों की, तो इसने कहा है यहाँ पे तीन लाइन है। सबसे टॉप पे जो लाइन है ना उसको बोलते हैं द ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, वर्ड सुन रहे हो आप, ग्रेट हिमालयस मतलब ये बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, इसकी हाइट सबसे खतरनाक होगी, सबसे ऊंचा हिम ये होगा, इसको बोलते हैं हिमाद्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच माउंटेन रेंज इज नोन एज हिमाद्री, तो आपका आंसर होना चाहिए द ग्रेट हिमालयस, तो वर्ड ग्रेट है इससे आप याद कर लो, द ग्रेट हिमालयस किसको बोलते हैं, हिमाद्री को द ग्रेट हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा ये दूसरी वाली, अब क्या बोलते हैं, अब जब दो चीजों के बीच में एक चीज हो उसको मिडल बोलते हैं, तो आ गया द मिडल हिमालयस, क्या आ गया द मिडल हिमालयस, उसको क्या बोलते हैं हिमाचल, रिकॉल आफ्टर मी, हिमाचल, हिमाद्री क्या आ गया द ग्रेट हिमालयस, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची है, इसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी चोटियां हैं, ठीक है, ये आ गया ग्रेट, वर्ड सुन लो, ग्रेट, ग्रेट का मतलब हिमाद्री, और जो मिडल वाला आ गया इसको बोलते हैं हिमाचल, एंड सबसे नीचे वाले को क्या बोलेंगे द आउटर हिमालयस, यानी कि तू बाहर है, इसको बोलते हैं, इसको ये दोनों ना, ये दोनों कहते हैं तुम बाहर हो, तुम हम में से हो ही नहीं, तो ये आउटर हिमालयस है, इसको बोलते हैं शिवालिक। अब यहाँ पे आपको कुछ याद आया होगा, माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है वो श्राइन है वो कहाँ पे है, शिवालिक्स में, जम्मू कहाँ पे है, शिवालिक्स में, ये सारी चीजें कहाँ पे आ रही है, शिवालिक्स में आ रही है, यानी कि नीचे वाला जो है ना, नीचे वाली लाइन है, इसकी हाइट कम होगी, सबसे ज्यादा हाइट ग्रेट वाले की होगी, फिर मिडल वाले की होगी, फिर क्या होगी शिवालिक्स की होगी, यानी कि ओटर हिमालयस। ठीक है, अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, चलो ग्लेशियर्स, डीप वैलीज, एल्पाइन मेडो मेडोज और करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिस रीजन, अब इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, फिर क्या मिलता है बड़ी बड़ी वैलीज, वैली समझ तो मतलब दो पहाड़ों के बीच का जो वो होगा ना नाला होगा उसको बोलते हैं वैली, ठीक है, बड़ी बड़ी वैलीज हमें देखने को मिलती हैं, अल्पाइन मेडोज आपने देखा होगा, गुलमर्ग देखा होगा आपने, सोनमर्ग देखा होगा, तो आपने युसमर्ग देखा होगा, मतलब बड़े बड़े पास्चर लैंड होते हैं ना, पास्चर लैंड होते हैं जिसमें छोटी छोटी घास उगती है, कोई मतलब वहां पे क्या होता है ऐसा टेम्परेचर होता है कि छोटी छोटी घास उग जाती है, बड़े बड़े पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि घास उगने के लिए क्या होता है आपको थोड़ी सी धूप चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी धूप पड़ी घास उग गया, बर्फ पड़ी घास मर गया, जमीन खत्म, ठीक है, लेकिन पेड़ को सर्वाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए, इतने इतने पहाड़ों पे पेड़ कैसे कैसे सर्वाइव करें, तो एल्पाइन मीडोज उसी को बोलते हैं, जैसे हम डॉग बोलते हैं ना, जहाँ पे जो है नोमैड जो है वो शिफ्ट करते हैं, मतलब शिफ्ट करते हैं कि 6 महीने के लिए वो ऊपर चले जाते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, तो वहां पे जो क्या होता है इन्हीं मीडोज में क्या करते हैं वो अपने मवेशियों को घास खिलाते हैं, ठीक है, ये वाली चीज आ गई मीडोज, इसलिए उनको बोलते हैं मर्ग, हम अगर क्वेश्चन आता है कि किस चीज को मर्ग कहा जाता है तो मीडोज को मर्ग कहा जाता है। आपको समझ आएगी हिमालयाज की, हिमालय 3 तरीके के होते हैं, द ग्रेट हिमालय इसको हिमाद्री बोलते हैं, द मिडल हिमालय इसको हिमाचल बोलते हैं, एंड द आउटर हिमालय इसको शिवालिक्स कहते हैं। चलो जी, और इसमें क्या होता है हमें ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, डीप वैलीज पाई जाती है। चलो अब हम थोड़ा सा हिमालयाज को और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक, और अच्छे से क्या पढ़ते हैं, तो द हिमालयाज जो है, हिमालय जो है इसको बोलते हैं अबोड ऑफ स्नो, ये वर्ड आप याद रखना, ये गैसेस भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, हिमालय इज ऑल्सो नोन एज अबोड ऑफ स्नो इन संस्कृत, ठीक है, इसका मतलब है कि सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अबाउट ऑफ स्नो, तो इसका मतलब आप देख लेना क्या है इसका मतलब। चलो जी, अब हम देखते हैं सबसे पहले ये जो है ना हिमालय, ये किन किन कंट्रीज में जो है घूम रहा है, मतलब इन संस्कृत पता नहीं क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो जी इसको मतलब इंग्लिश में हिमालयस को हिमालय इज ऑल्सो नोन एज अबोर्ड ऑफ स्नो, ये किन किन कंट्रीज में लाई करता है, इंडिया में है हिमालयस, नेपाल में है हिमालयस, और ये जो माउंट एवरेस्ट की अभी हम बात करेंगे, जो मैंने कहा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची पीक, ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है, ठीक है, चाइना में हिमालय है, भूटान में हिमालय है, और पाकिस्तान में भी हिमालय है। अब आप बोलोगे पाकिस्तान में कैसे, अभी बताते हैं। चलो अब आपको पता चला रिकॉल ऑफ्टर मी कि हिमालय कौन कौन सी कंट्री में है, हिमालय इंडिया में है, हिमालय नेपाल में है, इंडिया हिमालय भूटान में है, और हिमालय कहाँ पे है, हिमालय पाकिस्तान में। अब आपसे क्या होगा, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिमालय अफगानिस्तान में है, आप लिख दोगे यस सर, क्वेश्चन हो जाएगा नो सर, अफगानिस्तान में नहीं है, कहाँ है, इंडिया में, नेपाल में, चाइना में, भूटान में और पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें की मतलब की तरफ जाएंगे कि हम थोड़ा सा कुछ पीक्स पढ़ लें, पीक्स तो पढ़नी है ना, अगर उसने पूछ लिया, मैंने कहा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है, लेकिन इंडिया की तो वो है ही नहीं, वो तो नेपाल में, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो आप क्या आंसर दोगे, अब हम उस चीज की तरफ आते हैं।
जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, इसको सागर मथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर मथा भी बोलते हैं, और चोमो लुंगमा ये भी इसका एक नाम है। ठीक है, अब ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी वो आप देख लेना खुद। तो सागर मथा इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को। पूछा जा सकता है कि सागर मथा किस माउंटेन को बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को। नेपाल और चाइना के बॉर्डर में ये पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर में पाया जाता है। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एलिवेशन इसका क्या है? 8848.86 मीटर्स। आप याद रखना, 8848 इस आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? इट वॉज फर्स्टली सक्सेसफुली सबमिटेड बाय। इस पे पहला आदमी जो सबसे पहले गया था वो एडमोंड हेलरी था। कहाँ का था? न्यूजीलैंड का। देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन। एंड टेंजिंग नॉर्गे, ये दो लोग थे जो इस पे सबसे पहले गए थे। कौन से? एडमोंड हेलरी, टेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, अब चलते हैं माउंट एवरेस्ट आसन होते हैं सागर मथा। किसको सागर मथा बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को सागर मथा भी बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? नेपाल में। और चोमो लुंगमा किस कहाँ पे बोलते हैं? टिब्बत में। टिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? चोमो लुंगमा। ठीक है, चोमो लुंगमा इसको बोलते हैं टिब्बत में, सागर मथा बोलते हैं नेपाल। याद रखना। फिर आती है केटू। केटू को बोलते हैं गोडविन आस्टेन भी बोलते हैं इसको। केटू का दूसरा नाम गोडविन आस्टेन। ये कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में, सॉरी आज के टाइम पे लद्दाख में। लद्दाख, जैसे कि अभी आपको बताता हूँ, ये लद्दाख में। अब लद्दाख में क्यों है ये? द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज केटू। ठीक है, ये आ गई माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पे? ये नेपाल में है। और केटू कहाँ पे? ये इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? लद्दाख में। इज लोकेटेड ऑन द चाइना पाकिस्तान बॉर्डर इन काराकोरम रेंज ऑफ द हिमालयस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अभी बोला मैंने आपको, ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस इज ऑल्सो नोन एज काराकोरम रेंज। ठीक है, ट्रांस हिमालयस को काराकोरम भी बोलते हैं। अब चलो जी, मैंने कहा क्या कहा कि ये कहाँ पे पाया जाता है? ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाया जाता है। फिर उसके बाद K2 हैज एलिवेशन ऑफ 8611 मीटर्स। 8611 माउंट एवरेस्ट क्या था? 8848, यानी कि अराउंड 150 किलोमीटर, सॉरी मीटर्स जो है ये माउंट एवरेस्ट से छोटा है। 8611 मीटर्स इसकी हाइट है। तो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग माउंटेन टू क्लाइम। मतलब क्लाइम करने के अगर हम उस नजर से देखें तो ये वन ऑफ द चैलेंजिंग माउंटेन है। चैलेंजिंग माउंटेन कौन आ जाता है? गॉडविन अस्टिन। थर्ड माउंटेन है कंचनजंगा। कंचनजंगा आ गया थर्ड हाईएस्ट माउंटेन। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये है इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर, सॉरी इंडिया नेपाल बॉर्डर पे कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक है। इस थर्ड हाईएस्ट पीक को ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे इंडिया की एक स्टेट है जिसको बोलते हैं सिक्किम। तो ये माउंटेन इंडिया और इंडिया का जो नेपाल बॉर्डर है जिसमें हमारा आ जाता है सिक्किम, और वहाँ पे क्या है? कंचनजंगा पाया जाता था। तो ये डिविजन्स थे कौन से? हिमालयाज के। हिमालयाज के डिविजन के बाद, जैसे कि हमने बोला कि हिमालयाज के बाद क्या आ जाता है? हिमालयाज के बाद आता है प्लेन्स। प्लेन्स क्यों बनते हैं? क्योंकि हिमालयाज बर्फीले पहाड़ हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे, वहाँ पे बर्फ होगी, वो बर्फ पिघलेगी तो रिवर्स बनेंगे, रिवर्स में पानी जाएगा, तो जब रिवर्स में पानी जाएगा तो रिवर भी कहीं जाएगा, तो रिवर जब आगे जाता है तो वो क्रिएट करते हैं प्लेन्स। क्या क्रिएट करते हैं? प्लेन्स। अब प्लेन्स जब रिवर क्रिएट करेगा तो वहाँ पे एलोवियल डिपॉजिट्स होंगे। अब देखो सॉइल जो होती है, सॉइल डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलोवियल सॉइल, सारी सॉइल। ये जो एलोवियल सॉइल होती है इसकी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल, फर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अनाज उगता है, जो चीज़ें उगती हैं वो किस में होती हैं? एलोवियल सॉइल में। क्यों? क्योंकि ये वो वाली सॉइल होती है जो रिवर्स जो होते हैं, ये रिवर्स जो होते हैं ये इरोजन करके इस सॉइल को प्लेन्स में लाके छोड़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम राइस की बात करते हैं, राइस की, राइस जो एलोवियल सॉइल में उगता है, ये माउंटेन की सॉइल में नहीं उगता। आप जम्मू एंड कश्मीर का टेरेन देखोगे तो आप देखोगे राइस जहाँ पे भी मिलेगा आपको बना हुआ, या जहाँ पे भी लोग राइस की कल्टीवेशन करते हैं वो नियर द रिवर होगा। क्यों नियर द रिवर होगा? क्योंकि वहाँ पे एलोवियल सॉइल पाई जाती है जो रिवर ने दूर से लाई होती है, और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? एलोवियल सॉइल पाई जाती है। अब कौन कौन सा रिवर लाता है? देखो हिमालयस में गंगा रिवर निकलती है, हिमालयस में यमुना रिवर निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ब्रह्मपुत्र निकलती है।
निकलती तो इंडस भी है लेकिन वो पाकिस्तान चली जाती है। हम कर रहे हैं इंडियन प्लेन्स की बात, तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर निकलती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्लेन्स। प्लेन्स कहाँ पे, ये प्लेन्स बनाते हैं यहाँ पे दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, फिर जाती है कहाँ पे, डायरेक्ट बांग्लादेश में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्दर्न प्लेन्स की। इन तीन रिवर्स की वजह से जो मिट्टी आती है वहाँ पे, जो इरोजन होकर आती है हिमालय से, वो बनाते हैं प्लेन्स। अब ये जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स है इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी हमारी कल्टिवेशन होती है, एग्रीकल्चर होता है, वो इन्हीं से होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये पंजाब से लेकर, जो पंजाब वेस्ट में है, और बंगाल इन द ईस्ट, पंजाब से लेकर बंगाल तक के एरिया को क्या करते हैं, ये फर्टाइल करते हैं। जितना भी इंडिया का एग्रीकल्चर है मोस्टली वो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तीन रिवर जो हैं ये वहाँ से लाती हैं एल्यूवियल डिपॉजिट्स, एल्यूवियल सॉइल, जो कि इस एरिया को फर्टाइल बनाती है, और इस एरिया में बहुत सारा क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। चलो अब हम कुछ और फैक्ट्स देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के को अगर हम थोड़ा और डीपली पढ़ने की कोशिश करें, तो इनको ग्रेट प्लेन्स भी कहा जाता है। इस इन ग्रेट प्लेन्स में क्या होता है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे रिवर्स क्या करते हैं, वो डिपॉजिट ला के यहाँ पे छोड़ते हैं। अब जो रिवर होता है ये दो तरीके के डिपॉजिट्स लाता है, एक को बोलते हैं खादर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक को बोला जाता है खादर और एक को बोला जाता है भांगर। खादर जो होता है ये न्यू एलोवेल होता है, न्यू एलोवेल यानी कि ये ज्यादा फर्टाइल होता है, क्यों, क्योंकि ये न्यू होता है यानी कि नई जमीन होती है, इस पे जो है ज़्यादा जो है कल्टीवेशन नहीं की जाती है, ज़्यादा इसका जो मिनरल्स हैं वो लूज़ नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, इसलिए क्या होता है कि भांगर जो होता है वो ओल्ड होता है, और इसमें क्या होता है कंकर होते हैं, कंकर आप समझते हो ना, छोटे छोटे कंकर होते हैं, तो ये होता है भांगर। और जो कल्टिवेशन के लिए जो बेस्ट होती है वो खादर जो है कल्टिवेशन के लिए बेस्ट होती है। अब आते हैं हम दोआब पे, कि मतलब कुछ दोआब्स पढ़ लेते हैं। दोआब क्या होते हैं, दोआब, अभी आप इसके वर्ड्स की तरफ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो पहले आता है वर्ड दो, दो का मतलब होता है टू, आब का मतलब पानी, तो दो आब का मतलब हो गया दो रिवर, एरिया बिटवीन द टू रिवर इज नोन एज दोआब। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ दोआब पढ़ लेते हैं, अगर एग्जामिनर पूछ ले ब्यास और सतलज, जैसे कि दो रिवर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो इन दो रिवर्स के बीच में जो दोआब बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एक मिनट मैं आपको दोआब यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये आ रही है ब्यास, ये आ रही है सतलज, यहाँ पे मैच मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये मिल रहे हैं। अब ये वाला जो एरिया होगा ना इसको दोआब बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये फर्टाइल होगा, यहाँ से सतलज ने जो मिट्टी लाई है वो यहाँ पे डालेगी, यहाँ पे डालेगी, यहाँ पे डालेगी, इसकी वजह से ये एरिया जो है फर्टाइल हो गया। ब्यास ने जो मिट्टी लाई एल्यूवियल सॉइल जो मैंने अभी आपको बोला, वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, इसकी वजह से ये एरिया जो है ये मोस्ट फर्टाइल हो जाएगा। इसी दोआब को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं इसको। तो ब्यास और सतलुज के बीच में जो दोआब होता है उसको बिस्त बोलते हैं, BIST, और इसी तरीके से ब्यास और रवि के बीच में जो दोआब होगा उसको बारी बोलेंगे। फिर से बोलते हैं रवि और चेनाब के बीच में जो दोआब आएगा उसको रेचना दोआब बोलेंगे, और चेनाब एंड झेलम के बीच में जो दोआब आएगा उसको छज दोआब बोलेंगे, फिर झेलम और एंडस के बीच में जो दोआब आएगा उसको सिंध सागर दोआब बोलेंगे। अब आपने ये वाले कुछ नाम जो हैं इनको रिकॉल करना है ताकि आपको सही से ये चीज़ें ध्यान में रहें, जहन में रहें, कल कोई अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ब्यास और रवि के बीच में जो दोआब है उसको क्या बोला जाता है, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओ। चलो जी, अब मैंने आपको बोला हमने क्या कर लिया, हमने हिमालयस कर लिया, हमने प्लेन्स कर लिया, अब हम पेनिनसुलर के तरफ बढ़ते हैं कि पेनिनसुलर क्या है, यानी कि प्लेटू के नीचे हम आ गए हैं, नीचे डक्कन प्लेटू। तो साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू, जैसे ही हम प्लेन से नीचे आते हैं तो क्या आता है, पेनिनसुलर प्लेटू आता है, ऑल्सो नोन एज डक्कन प्लेटू। क्या बोलते हैं इसको, डक्कन प्लेटू बोलते हैं, डक्कन हम अपने लैंग्वेज में डक्कन बोलते हैं, इंग्लिश में डक्कन प्लेटू बोलते हैं। ठीक है, द डक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया। प्लेटू मैंने आपको बोला ऐसा एरिया, ऐसी जमीन जिसके तीन तरफ वाटर हो, वो होती है प्लेटू, और थोड़ी सी एलिवेटेड भी हो, तो ये जगह जो एलिवेटेड है वो तीनों तरफ से पानी है। अगर हम यहाँ पे देखा जाए द डेक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया। अब यहाँ पे एक रेंज आती है, जैसे कि मैंने आपको बोला हम इंडिया की बात कर रहे थे, चलो मैं आपको थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंगली पढ़ा दूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं
वेयर इज इरेजर, अब यहां से आप देखना, मैं आपको नीचे जाके फिर वही वाली चीज पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे गुजरात है, एक पहाड़ है यहाँ से शुरू होता है, ऐसे आते 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 यहाँ जाता है, इसको बोलते हैं अरावली। एक पहाड़ है जो यहाँ से ऐसे, इसको बोलते हैं विंध्यास। एक पहाड़ है जो यहाँ से जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं शायद्री, सॉरी विंध्यास और सतपुरा, सॉरी इसको बोलते हैं सतपुरा। यह आ गया अरावली, यह आ गया विंध्या, यह आ गया सतपुरा। ठीक है, आपने देख लिया पहाड़ कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हैं। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं इसी वाली चीज़ को थोड़ा सा एलिवेटेड। हम यहाँ पे थे अरावली रेंज। अरावली रेंज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि विच रेंज इज नोन एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट रेंज और नीचे अरावली दिया होगा, तो अरावली को आप टिक करके आओगे, क्योंकि अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ट माउंटेन इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत पुराने माउंटेन्स हैं ये चीज़ें। कहाँ कहाँ से, जैसे मैंने आपको बोला दिल्ली से लेकर गुजरात तक इनकी लेंथ है। फिर मैंने आपको नीचे रेंज बना के बताई थी विंध्यास विंध्यास और सतपुरा की, कि मैंने आपको बोला था विंध्यास भी ऐसे जाते हैं ऊपर और सतपुरास भी नीचे जाते हैं ऐसे। फिर मैंने आपको बोला था, जैसे कि ये मैंने आपको पेनिनसुलर ड्रॉ करके बताया, पेनिनसुला के साथ मैंने आपको बताया था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भी है। ईस्टर्न घाट कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट यहाँ पे है। इस तरीके से ईस्टर्न घाट आएंगे, इस तरीके से वेस्टर्न घाट आएगा। ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू में है, दे आर पैरेलल ऑफ ईस्ट कोस्ट। अब यार नाम में ईस्ट लिखा हुआ तो ईस्टर्न कोस्ट पे ही होगा, और वहाँ पे कुछ रिवर्स आती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब ये रिवर्स क्या है आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिवर्स करवाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप रिवर्स भूल जाओ। बस आप ये माइंड में रखो कि जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे होते हैं, और वेस्टर्न घाट्स ऑब्वियसली कहाँ पे होंगे, इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे होंगे। चलो यहाँ पे भी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये कुछ रिवर्स आती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखो जब यहाँ से वेस्टर्न घाट्स आती हैं यहाँ पे, यहाँ से ईस्टर्न घाट आती है वहाँ पे, तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ वो दोनों मिलते हैं, देख रहे हो, ऐसी एक जगह आती है जिससे जहाँ पे वो मिलते हैं, उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चलते हैं कोस्टल प्लेन्स पे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये आ गया वेस्टर्न कोस्ट, ये आ गया ईस्टर्न कोस्ट। चलो जी, अब यहाँ पे मैप पे आप एक और चीज़ देख लो। देखो जो ईस्टर्न कोस्ट है, इसको भी कुछ नाम से, इसको बोलते हैं यहाँ तक, यहाँ इतनी कोस्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, फिर बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, फिर बोलते हैं कन्याकुमारी कोस्ट, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट, इसको बोलते हैं आंध्रा कोस्ट, इसको बोलते हैं कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट को भी इन्होंने डिवाइड किया है, सबसे टॉप आता है उत्कल कोस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोस्ट होगी उसको बोलते हैं उत्कल कोस्ट, फिर उसके बाद आता है आंध्रा कोस्ट, फिर आता है कोरमंडल कोस्ट, तीन कोस्ट, फिर आता है कन्याकुमारी कोस्ट, फिर उसके बाद आता है कन्नड़ कोस्ट, फिर उसके बाद आता है कोंकण कोस्ट। ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट आ गया जो गुजरात के साथ होती है। चलो, इंडिया हैज़ टू एक्सटेंसिव कोस्ट अलॉन्ग इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न शोर्स। इंडिया के जो ईस्टर्न वेस्टर्न शोर्स हैं, यहाँ पे दो कोस्ट आती हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट ऑफ सेंटिमेंट्स बाय रिवर एंड द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट्स। ठीक है, तो यहाँ से कोई बीच में रिवर जा रही है, वो कहाँ जाएगी, वो तो समंदर में जाएगी ना, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो इधर इधर मैंने आपको क्या बोला, रिवर अपने साथ सॉइल लेके चलता है, इरोजनल डिपॉजिट्स लेके चलता है, तो वो यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ से बहुत सारे रिवर जो हैं माउथ बनाते हैं, कहाँ पे, या तो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में बनाते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई इन अरेबियन। देखो यहाँ पे मैंने आपको लेक्चर से पहले ही पढ़ाया था कि यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। चलो अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कोस्टल प्लेन्स में क्या क्या बताया। अभी ये आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने अभी रिसेंटली, जो क्वेश्चन आया था हमारा वेटरनरी फार्मर्स में, वहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट, कौन सा ऐसा पोर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेनर्स होते हैं। देखो क्वेश्चन था वेटरनरी फार्मर्स में, उसका आंसर था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जो पीडीएफ ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, कोई ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता है, मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसी पोर्ट के लिए क्वेश्चन आया था कि विच पोर्ट इज द लार्जेस्ट हैंडलिंग, मतलब जो कंटेनर हैंडल करता है या उसमें बहुत ज़्यादा एरिया है, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अब आपने कुछ पोर्ट जो है ये याद रखने कि कौन सा पोर्ट पूछा जाता है, कि कहाँ पे है, ईस्टर्न में है या वेस्टर्न में, या कौन सी स्टेट है। मुंबई पोर्ट ऑब्वियसली महाराष्ट्र में होगा, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ये जो है महाराष्ट्र में, इसको
नहवा शेवा भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम भी है। कोची पोस्ट केरला में, चेन्नई पोस्ट तमिलनाडु में, कोलकाता पोस्ट वेस्ट बंगाल, प्रदीप पोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, पोर्ट है ये उड़ीसा में, विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में, और टूटीकोरिन पोस्ट जो है ये है तमिलनाडु। अभी मैंने आपको बोला कि लार्जेस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया इज गुजरात, जे के एस एस बी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सी स्टेट है, जैसे कि अभी आपको मैं ले चलता हूँ, ये देखो कहता है कि गुजरात ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा समंदर को टच करती है, यहाँ पे उड़ीसा कर रही है, आंध्र प्रदेश कर रहा है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लेकिन जब पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन करता है तो कौन करता है, गुजरात करता है, उस दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश करता है। अगर इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर शेयर करती है अपना समुंदर के साथ, वो आंध्र होगी, पहले नंबर पे गुजरात होती है। चलो ये अब हमने पढ़ लिया कौन सा पेनिनसुलर प्लेटू, अब हम चलते हैं आइलैंड पे, जो मैंने अभी आपको आइलैंड्स बोले थे, कुछ आइलैंड्स हैं इंडिया के पास, इंडिया के दो आइलैंड्स हैं मोस्टली, एक को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार और दूसरे को बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। इंडिया हैज सेवरल आइलैंड ग्रुप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे, मैंने आपको बोला था ये बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप कहाँ है, ये अरेबियन सी में। चलो आपको बता देता हूँ, ये आ गया इंडिया, इंडिया की साउथ बॉर्डर हमने बना दी, ये मैंने आपको बोला था ये बे ऑफ बंगाल है, ये मैंने बोला था ये अरेबियन सी है। अब आपने याद रखना है कि ईस्ट में कौन सा आता है, ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में कौन आता है, अरेबियन सी आता है, ठीक है। ईस्ट में आता है अंडमान एंड निकोबार, वेस्ट में आता है लक्षद्वीप, ये आप याद रखो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे माइंड मैप होता है वैसे आपको पता होना चाहिए। इंडिया के ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल, उसके यहाँ कौन सा वो आइलैंड पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, वेस्ट में आता है अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड पाया जाता है, वो है लक्षद्वीप। चलो अंडमान एंड निकोबार पढ़ते हैं, इसमें टोटल 572 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ओनली अ फ्यू आर इनहैबिटेबल, ओनली अ फ्यू आर इनहैबिटेबल, मतलब उसमें से जो कुछ हैं वो क्या है, इनहैबिटेबल है, यानी फिर उसमें बहुत कम लोग रहते हैं, या मतलब उसमें लोग रहते ही नहीं हैं, मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है इतना हार्श है, इतना ख़तरनाक है, पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसमें क्या है, लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, टू ग्रुप्स क्या हो गया, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। देखो ये मैंने बोला है कि अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में, इनके सेंटर में मैं एक लाइन डाल दूँ, नॉर्थ में अंडमान आ गया, साउथ में निकोबार आ गया, तो कहता है कि ये जो अंडमान निकोबार है इसको भी दो ग्रुपों में बांटा गया है, नॉर्थ में अंडमान है, साउथ में निकोबार है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इनकी भी कैपिटल होगी, अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो पोर्ट ब्लेयर है, जो कहाँ पे, वो साउथ अंडमान आइलैंड में, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया की कैपिटल्स पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल अलग होती है, पंजाब की कैपिटल अलग होती है, अच्छा यूपी की, अच्छा बिहार की, सारी कैपिटल्स अलग होती हैं, उसी तरीके से किसकी कैपिटल की बात हो रही है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल की बात हो रही है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, और कहाँ पे, साउथ अंडमान आइलैंड है, वहाँ पे इसकी कैपिटल है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब अगर हम इस साइड की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, तो इसमें जो है टोटल 36 आइलैंड्स हैं, पोर्ट ऑफ विच 10 आर इनहैबिटेबल, जिनमें जो है 10 में जो है मतलब इनहैबिटेबल है। द आइलैंड आर स्कैटर्ड ओवर 32 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर।